ऑल इंडिया मजलिस से इश्तेहादुल मुस्लिमीन हापुड़ यूनिट एक ज्ञापन सौंपा गया। हापुड़ ऑल इंडिया मजलिस से इश्तेहादुल मुस्लिमीन हापुड़ यूनिट एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जिला बदर अपराधी अन्नू चौधरी द्वारा सोशल मीडिया पर यदि नरसिंहानंद महाराज की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रही है। महाराज के द्वारा की गई गलत टिप्पणी मुस्लिम समुदाय के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। मोहम्मद साहब एवं मुस्लिम समुदाय के धार्मिक का पुस्तक कुरान शरीफ के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों में ऐसा गलत आपत्तिजनक शब्दों को लेकर काफी आक्रोश है। ऑल इंडिया मजलिस से इश्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष हाजी फहीम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर हापुड़ सीओ को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि अनु चौधरी और यति नरसिंहानंद महाराज का उद्देश्य सिर्फ देश प्रदेश में धार्मिक दंगे कराने का है, और इसलिए हम आप अपील करते हैं कि अनु चौधरी व यति नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ संगीत से संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और कानूनी कार्रवाई करें। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जनपद हापुड़ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद दानिश कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग करते हुए कहा है कि ऐसे पाखंडी यति नरसिंहानंद महाराज जो देश का भाईचारा अमन चैन खत्म करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा कायम कर गिरफ्तार कर फांसी दी जाए, ताकि मुस्लिम समाज का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बना रहे, ताकि भविष्य में कोई भी देश का अमन चैन खराब ना कर सके। दानिश कुरैशी ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हम अपनी जान दे देंगे मगर नबी किसान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन देने में जिला अध्यक्ष हाजी फहीम, युवा जिला अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर शेख मसूदी, आसिफ यूनुस, जुनैद अब्बासी, जिला प्रवक्ता मोनूकांत वाल्मीकि, जावेद चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष सलमान कुरैशी, वरिष्ठ कार्यकर्ता आदि लोग मौजूद रहे। देखिए हापुड़ से राजेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। मोहम्मद मोहसिन है, मैं हापुड़ शहर का नायब शहर काजी हूँ। ये जो मामला इस वक्त में चल रहा है, इससे पूरी इंसानियत और पूरी मुस्लिम समाज, मुस्लिम सोसाइटी के दिलों को ठेस पहुंची है, और हम तमाम मुसलमानों की तरफ से दरख्वास्त नहीं, आजजी के तौर पर नहीं, बल्कि हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर इसके आगे और कदम बढ़ाए जाएंगे, इसलिए कि जाब्ते के साथ में हम चल रहे हैं। अगर हमारे ऊपर के जिम्मेदारान हजरात हमारे साथ इस जाब्ते के तौर पर चलना चाहते हैं तो वो जाब्ते के तौर पर हम भी काम करेंगे, वरना तो ये बात काबिले बर्दाश्त नहीं है कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक कोई बात ऐसी कही जाए और हम खामोश बैठे रहें। ये हमारे ईमानी तकादे के भी बिल्कुल खिलाफ है, इसलिए हम कड़ी से कड़ी उसके साथ कार्रवाई करने की दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं, ये मामला उसके साथ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाए। गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुस्ताख रसूल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ज्ञापन देना है, क्या मामला था ये? देखिए, जो डांटने वाला वो पाखंडी महाराज है, उसके द्वारा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे पाखंडी दुराचारी महाराज को तुरंत मुकदमा कायम कर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उनने देश की भावनाएं भड़काने का काम किया, जबकि हमारा भारत हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ऐसे पाखंडी महाराजों की वजह से हमारे देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है, तो ऐसे महाराज को गिरफ्तार कर तुरंत जेल में डाला जाए। हम जिला प्रशासन से यही मांग की है हमने। महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो वक्त वक्त पर हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता रहता है, उसने फिर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आज सुबह हमने 11 बजे एसडीएम साहब को राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के लिए फांसी की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया, और अब हम यहाँ हापुड़ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हैं तहरीर लेकर, और हमने यहाँ अपनी तहरीर दी है, अपनी बात रखी है कि उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सख्त धाराओं में उसे जेल में डालने का काम करें। सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय यहाँ मौजूद थे, सीओ साहब ने हमारी एप्लीकेशन लेकर हमें आश्वासन दिया है, कल तक उम्मीद है हमारी एफआईआर हो जाएगी, अदरवाइज एफआईआर नहीं होती है तो हमने सीओ साहब से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट में भी यही कह दिया है कि अगर एफआईआर नहीं होती है तो सर हम नामू से रिसालत की खातिर भूख हड़ताल पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, और जब तक बैठेंगे तब तक इस गुस्ताखे रसूल को जेल में डालने का काम प्रशासन नहीं करेगा। चूंकि वीडियो हापुड़ में देखी गई है, इसलिए हापुड़ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हापुड़ की समस्त मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाएं हुई हैं, इसलिए हापुड़ के प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि हमारी तहरीर पर उसके खिलाफ सख्त धाराओं में एफआईआर की जाए। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।